हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज अ मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ यू एज शोन इन द फिगर। व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर शुड द मैन हैव सो दैट ही कैन रीच डायरेक्टली टू द पॉइंट बी। तो यहां से स्टार्ट हुआ है और बी पॉइंट तक पहुंच गया डायरेक्टली। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट शुड बी द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो टाइम होता है हमारा क्रॉस करने का, वो होता है विड्थ का, रिवर विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर टू वी आर। ओके, और जो ड्रिफ्ट होती है वो होती है टाइम मल्टीप्लाई बाई वी आर प्लस वी एम आर अलोंग वी आर, है ना। तो ये हमारी ड्रिफ्ट एंड टाइम आ गया। तो यही की कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन में यूज होएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग इस पॉइंट पे, एंड यहां से ये हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। तो ए से बी तक उसको पहुंचना, और एंगल है 45 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, देन दिस एंगल इज अगेन 45 डिग्री। तो स्पीड क्या आएगी सामने की तरफ, स्पीड आएगी यू, है ना। तो स्पीड आएगी यहाँ पे यू। नाउ व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर शुड द मैन हैव सो दैट ही कैन रीच डायरेक्टली टू द पॉइंट बी। अब इसको टाइम क्रॉस करने का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, लेट सपोज कि इसकी विड्थ जो डब्ल्यू थी, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, अगर ये डब्ल्यू थी ना तो ये एंगल 45 था, तो ये भी डब्ल्यू होगी। तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, अगर स्पीड अगर मैं इधर मान लेता हूँ, लेट सपोज कि जो मेरा वी एम आर है उसको मैंने v डैश मान लिया, v मान लिया, लेट सपोज v मान लिया, है ना। तो वी एम आर को अगर मैंने v मान लिया है या v डैश मान लेता हूँ, इसको पूरा लिख हटा के इसको दोबारा से लिखता हूँ मैं, जो मेरा वी एम आर का मैग्नीट्यूड आएगा वो मेरा v के बराबर आएगा। तो इधर अगर v होगा ना तो मुझे डायरेक्टली जाना है इधर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटेड टू वाटर शुड द मैन हैव सो दैट ही कैन रीच डायरेक्टली टू द पॉइंट बी। उसकी स्पीड मिनिमम से मिनिमम कितनी होगी वो डायरेक्टली इस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम ये कहेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे अभी हम ये मान लेंगे जो हमारी स्पीड है ना यू वी एम आर, वी एम आर वी की वैल्यू कुछ इस एंगल पर है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। तो अब बेसिकली टाइम क्या लगेगा, वो लगेगा हमारा वी कॉस थीटा, ये हमारा टाइम लगा है। और अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें, ड्रिफ्ट की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि ड्रिफ्ट की वैल्यू डब्ल्यू आएगी 45 डिग्री एंगल है तो, एंड यहाँ पर जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी यू प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा यू माइनस, नॉट प्लस, यू माइनस, यू माइनस वी साइन थीटा इंटू टाइम टी इस डब्ल्यू। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करने पर डब्ल्यू तो डब्ल्यू रह जाएगा, है ना, यू को हम लोग यू ही रख देंगे, माइनस वी साइन थीटा, एंड हमारा जो टाइम हो जाएगा वो जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे वी कॉस थीटा की वैल्यू थी। ओके, तो इसको इस तरह से लिख दिया हमने, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो जो हमारा वी कॉस थीटा आएगा प्लस वी साइन थीटा जो आएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वो यू के बराबर आ जाएगा। तो v cos थीटा एंड v sin थीटा दोनों मिला के u के हमारे बराबर आ रहे हैं। तो ये किस वाले इससे मैच कर सकता है, अगर यहाँ पे हमारा जो, देखो यहाँ पे हम लोगों को एक थीटा हो गया, एक हमारे v हो गए, दो दो इक्वेशंस यहाँ पे आ रही है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रिवर फ्लो एज शोन द फिगर द मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर, तो यहाँ पे स्पीड को मिनिमाइज करना है हम लोगों को। तो जो v की वैल्यू आएगी ना वो आएगी u बाय sin थीटा प्लस cos थीटा, ये तो v की वैल्यू आ गई। अगर v को मुझे मिनिमाइज करना है ना, तो फॉर v मिनिमम हमारा जो u बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट टू, तो ये जाएगा u बाय रूट टू। ओके, तो जो मेरा v आ गया वो आ गया u बाय रूट टू, एंड अगर हम एंगल की बात करें तो अगर u की वैल्यू रूट टू आ रही है तो ये जो वैल्यू आएगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसकी वैल्यू मैक्सिमम रूट टू कब आएगी, जब वन इसकी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी।
थीटा की 45 डिग्री आएगी, इट इज मैचिंग विद व्हिच ऑफ द ऑप्शन, इट इज मैचिंग विद u by root 2 45 degree with the upstream. So option number 2 is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.